दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे, अगर आप अपने एयरटेल थैंक्स ऐप को अपडेट करना चाहते हैं अपने प्ले स्टोर से तो आप कैसे अपडेट करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे हमारे पास ये अपडेट आ चुका है और हम एयरटेल थैंक्स ऐप को अपडेट करना चाहते हैं और हमारा एयरटेल थैंक्स ऐप हमारे प्ले स्टोर से अपडेट नहीं हो रहा है। जैसे हम अपडेट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर पेंडिंग प्रॉब्लम आ जाता है और हमारा एप्लीकेशन अपडेट नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल्स में यही बताएंगे कि आखिरकार प्ले स्टोर से एयरटेल एप्लीकेशन को अपडेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां से बैक आना है। बैक आने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एक बार अपना एरोप्लेन मोड यहां से आपको इनेबल करना है, यानी कि इनेबल कर देना है, जिसे आप फ्लाइट मोड कहते हैं, और फिर आप इसे बंद कर देंगे। अब आपको चेक कर लेना है कि आपका एप्लीकेशन अपडेट हो रहा है या नहीं। अगर आपका अभी भी अपडेट नहीं हो रहा है तो अब आपको करना क्या है कि अपने प्ले स्टोर पर लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पर आ जाएगा आई बटन, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टोरेज, आप इस पर क्लिक करेंगे और स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिल जाता है आपको क्लियर डेटा और इस पर क्लिक करके आप यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके प्ले स्टोर का जो डेटा होगा वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद अब आपको करना क्या है कि अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। जैसे आप सेटिंग को ओपन करेंगे यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है रिसेट नेटवर्क सेटिंग, तो आपके सामने आ जाएगा रिसेट नेटवर्क सेटिंग, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और हमारे सामने अभी आ जाएगा रिसेट नेटवर्क सेटिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, हम इस पर क्लिक कर देंगे और रिसेट सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग रिसेट हो जाएगा। अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या आपने कोई सेटिंग चालू किया या आपने बंद कर दिया है तो आपका ये सारा रिसेट हो जाएगा और उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आपको करना क्या है कि अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग फिर से ओपन करना है और नीचे आना है और यहाँ पर मिल जाएगा एक ऐप्स के नाम से, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है गूगल प्ले सर्विस। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल प्ले सर्विस और यह आ जाएगा। उसके बाद इसमें भी आपको स्टोरेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर मिल जाएगा मैनेज स्टोरेज, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से आपको मिल जाएगा क्लियर ऑल डेटा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ओके करेंगे और यहाँ से आप बैक आ जाएंगे। इतना काम करने के बाद अब आपको करना क्या है कि एक बार अपने मोबाइल फ़ोन को सिर्फ आपको स्विच ऑफ कर लेना है और उसे आपको ऑन कर लेना है। तो हम अपने फ़ोन को एक बार यहाँ से स्विच ऑफ करके उसे हम ऑन कर लेते हैं ताकि अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दे। मैंने यहाँ पर अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया है और उसे ऑन कर दिया है। अब हम अपना प्ले स्टोर ओपन करेंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे एयरटेल, तो हमारे सामने आ जाएगा। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और अपडेट पर क्लिक करते हैं। तो अब हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो यहाँ पर अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये काम आपको कर लेना है अपने फ़ोन के अंदर और आपका सारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।